हेलो स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल टू माय चैनल टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर सिक्स वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम बुक टू इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी होप यू ऑल लाइक इट सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन व्हाट इज अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम बारिश के पानी के संग्रहण से क्या समझते हैं द आंसर इज इट इज़ अ मैथड टू कैप्चर एंड स्टोर रेन वाटर फॉर वेरियस पर्पजेज प्रवेंस सॉइल इरोजन एंड फ्लडिंग इट इंक्रीजेज वाटर अवेलेबिलिटी यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम वर्षा के पानी को इकट्ठा कर सकते हैं वर्षा के पानी को एक निर्धारित किए हुए स्थान पर जमा करके हम वर्षा जल संयन कर सकते हैं इसके लिए हम कई प्रकार के तरीके अपनाते हैं उन्हीं तरीकों को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा के पानी के संग्रहण को कहते हैं द क्वेश्चन नंबर टू व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्स डज इंडिया हैव हम दुनिया में पानी के संसाधन uh, में भारत का कितना हिस्सा है द आंसर इज अबाउट फोर परसेंट ऑफ वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्स क्वेश्चन नंबर थ्री व्हिच वॉज द फर्स्ट स्टे टू मेक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कंपल्सरी भारत में वह कौन सा राज्य था जिसमें सबसे पहले पानी का संग्रहण आवश्यक हुआ डु क्वेश्चन नंबर फोर वॉट आर द रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन राजस्थान राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के संरचना के साधन कौन कौन से हैं द आंसर इज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन राजस्थान इज अंट और टैंका कवर्ड अंडरग्राउंड टैंक नियर ऑर इन दाउस ऑफ विलेज एंड जोहाद यूज टू स्टोर हार्वेस्टेड रेन वॉटर सबसे ज्यादा यहाँ पर कुंड और टैंका और जोहाद से ही हम वाटर स्टोर कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव वेन वॉज नेशनल वाटर पॉलिसी अंडरटेकन नेशनल वाटर पॉलिसी राष्ट्रीय जल नीति कब बनी थी भारत में द आंसर इज द नेशनल वाटर पॉलिसी वॉज अंडरटेकन इन टू थाउजेंड टू क्वेश्चन नंबर सिक्स हाउ इज़ क्वालिटी ऑफ नेशनल वाटर रिसोर्सेज मॉनिटर हम जल संसाधन को कैसे उस पर कैसे नज़र रख सकते हैं कैसे मॉनिटर कर सकते हैं द आंसर इज द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन कोलेबरेशन विद स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हम सी और एस पी सी बी के द्वारा हम इसको मॉनिटर करते हैं द क्वेश्चन नंबर सेवन वॉट आर द वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश और राजस्थान में कौन कौन से हैं द आंसर इज नीरू मीरू वाटर एंड यू प्रोग्राम दैट इज देयर इन आंध्र प्रदेश एंड अरवेरी पैनी पैनी संसद इन अलवर राजस्थान आर द टू वाटर हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन द क्वेश्चन नंबर एट इन विच सेक्टर द शेयर ऑफ टोटल वाटर यूज इन द कंट्री इज़ हाई भारत में किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा वाटर यूज़ किया जाता है एंड द आंसर इज इन एग्रीकल्चर सेक्टर द शेयर ऑफ टोटल वाटर इज़ हाई इन द कंट्री यस दैट इज देयर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर क्वेश्चन नंबर 9 नेम द थ्री स्टेट विच हैव लार्जर एरिया अंडर इरीगेशन भारत में वे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ का क्षेत्र सिंचाई में यूज़ किया जाता है द आंसर इज पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी उत्तर प्रदेश क्वेश्चन नंबर टेन हाउ हैज रैलीगन सिद्धि बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रैलीगन सिद्धि कैसे एक प्रेरणा स्रोत विलेज बना The answer is Ralegan Siddhi is a small village in the district of Ahmednagar, Maharashtra. It has become an example for watershed development throughout the country. Ralegan Siddhi was a drought-prone, range-shadow uh, area of Maharashtra, but it is a considered a model of environmental conservation. The village carried out programs like tree planting, reduce soil erosion, digging canals. Village uses solar power, biogas, and windmill. So, students, that's all for today. I will be back with the next chapter. Until then, cheers. Please like and subscribe my channel. Thanks for watching and supporting.